और भाई क्या हाल चाल। तो यार आज का जो वीडियो है यार, मैंने इमोजी कीवर्ड के ऊपर लेके आया हूँ पार्टी। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई यार वो प्ले स्टोर पर उसका सर्च करते हैं तो कोई और कीवर्ड आ जाता है या फिर कुछ और डाउनलोड हो जाता है, उससे उनका डेटा भी वेस्ट चले आ जाता है उन लोगों का। तो यार ऐसे में क्या होता है यार, वैसे भी 1.5 GB डाटा आता है, तो यार आजकल लोगों को वही कम पड़ जाता है, कुछ कुछ डाउनलोड कर लेते हैं। आज के टाइम पर इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूजेस में आ रहा है, तो यार 1.5 GB में मैं बताऊंगा आपको कि बिल्कुल सेम टू सेम जो कीबोर्ड है, जो रियल वाला कीबोर्ड है, वो कहाँ से डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये मेरे डाउनलोड हो रहा है, प्ले स्टोर पर ही मिलेगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, प्ले स्टोर पर सेम टू सेम एक ही चीज़ अगर ज़्यादा चल रही है तो उसके सेम टू सेम फोटो डाल के या फिर फेक लगा के और बिल्कुल सेम टू सेम नेम डाल के, तो उससे कन्फ्यूजन में होता है, कोई भी बंदा कुछ भी डाउनलोड कर लेता है, ठीक है। तो इससे उनके टाइम भी वेस्ट होता है और उनका डाटा भी वेस्ट होता है। तो देखिए मैं इसको पहले डाउनलोड करना बता दूंगा, ठीक है, वीडियो के लास्ट में बता दूंगा डाउनलोड कैसे करना है। तो देखिए बैकग्राउंड आप चॉइस कर सकते हो। अब इससे पहले जो अब मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। अब इसमें कुछ फ्यूचर्स और ऐड हुए हैं, तो आप उन फ्यूचर्स का यूज कर सकते हो। देखिए तो जो अब इसके बारे में और देखते हैं, देखिए पहले इसमें देखिए अभी नंबर और पहले मैंने इमोजी सेट करने बताए थे। अगर आपको नंबर सेट करना है तो आपको देखिए पहले इसको इनेबल कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करोगे तो देखिए ऊपर टॉप पे नंबर आ जाएंगे, इससे आप मैथ वाली टाइपिंग भी कर सकते हो, ठीक है। और इमोजी सेट करना है तो इसके बारे में मैंने बता ही रखा है पहले वाली वीडियो, अगर वो नहीं देखी तो मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगा कि इमोजी कैसे सेट करते हैं। लेकिन एक सेटिंग है इसमें ऐसी जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, तो कई लोगों को पता है कि यार उस सेटिंग को करने से आपके कीबोर्ड की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन यार उस कीबोर्ड इसमें अगर आप उस सेटिंग को करते हो, देखिए मैं अभी एडवांस पर चलता हूँ और आपको वो कीबोर्ड की सेटिंग पर लेके चलता हूँ। देखिए एडवांस सेटिंग पर क्लिक करूँगा, ये देखिए इसके नीचे जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये सबसे बेहतरीन था। इसको अगर आप 100 ms पर कर देते हो तो 100 ms पर करने से क्या होता है, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना तो क्या होगा, जैसे आप कोई भी इसमें वर्ड लिखते हो ना, तो वो वर्ड में जैसे कुछ भी आप टाइप करोगे तो वो क्या होगा, उस वर्ड के साथ इमोजीज की जगह पर कुछ और चला जाएगा, मतलब वर्ड चेंज हो जाएगा और जो आप लिखना चाहते हो वो नहीं लिखेगा। जैसे आपको ए लिखना है या कुछ लिखना है तो @ लिख के आएगा, ठीक है। अब इसको इनेबल करना है आप जानते ही हो, तो देखिए सेटिंग में जाना है, मैनेज एंड कीबोर्ड पर जाना है और देखिए यहाँ से क्यूट इमोजी कीबोर्ड को इनेबल कर देना है। अगर नहीं पता आपको कैसे करना है तो देखिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है यहाँ पे, तो आप वाली जो वीडियो है मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा कैसे करना है इसको इनेबल और इमोजी कैसे सेट करते हैं। तो देखिए ये देखिए पूरा इंटरफेस और सेम टू सेम, पहले मैंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं था तो अब मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आना है कस्टमाइज पे और फॉन्ट पे आ जाना है, तो देखिए इसमें न्यू तरीके के फॉन्ट मिल जाएंगे। उसके बाद फॉन्ट का साइज भी आप कर सकते हो, बड़ा रखना है छोटा रखना है, और साउंड का भी देख सकते हो कि साउंड को बंद करना है चालू करना है, ठीक है। यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे स्टाइलिश फॉन्ट भी कर, और देख और भी हैं इसमें क्या क्या ऐड है तो पहले बताएं। अब इससे आप अपने कीबोर्ड को स्प्लिट कर सकते हो, देखो तोड़ सकते हो इस टाइप से, राइट साइड से लेफ्ट साइड से, तो काफ़ी सारा अच्छा है इस पर, पहले बताया नहीं था तो इसलिए मैं इस बार बता रहा हूँ। अगर एरो की चाहिए तो देखिए एरो की भी मिल जाएगा इस टाइप से, ठीक है। और रीसाइज करोगे तो कीबोर्ड का साइज भी बड़ा कर सकते हो, स्मॉल भी कर सकते हो, देखिए मैंने स्मॉल किया तो देखिए, और नॉर्मल तो रख ही लेना क्योंकि यार नॉर्मल अच्छा है, अपने साइज हिसाब से आपकी उंगली के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको इनेबल करना है आप जानते ही हो, तो देखिए सेटिंग में जाना है, मैनेज एंड कीबोर्ड पर जाना है और देखिए यहाँ से क्यूट इमोजी कीबोर्ड को इनेबल कर देना है। अगर नहीं पता आपको कैसे करना है तो देखिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है यहाँ पर, तो आप वाली जो वीडियो है मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा कैसे करना है इसको इनेबल और इमोजी कैसे सेट करते हैं। तो देखिए ये देखिए पूरा इंटरफेस और सेम टू सेम वही है। तो उम्मीद है यार वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको।